रंजन जी, चतरा सीट जो कि माना जाता है कि राजद वहां पर बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, वैसे में अब कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट दिया है, वहां पर क्या दिख रहा है आपको जातीय समीकरण और कितना इसका फायदा होगा? देखिए, के एन त्रिपाठी को चुनाव मैदान में कांग्रेस ने उतारा है। अब के एन त्रिपाठी पूर्व मंत्री हैं, वो विधायक भी रह चुके हैं डाल्टनगंज से। हालांकि वो सांसद का जो चुनाव है वो पलामू से नहीं लड़ सकते क्योंकि वो एससी रिजर्व सीट है, तो इस वजह से वो चतरा शिफ्ट होते हैं और उन्हें चतरा से जो है वो टिकट दिया गया है। लेकिन अगर आप देखें और के एन त्रिपाठी का आप देखें तो देखिए, जब वो 2005 में पहली बार आए, एयरफोर्स से वो राजनीति में आए हैं। इससे पहले वो एयरफोर्स में काम करते थे राजनीति में आने से पहले, और 2005 में जब वो पहली बार चुनाव लड़े थे तो जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं इंदर सिंह नामधारी, उनसे वो चुनाव हार गए थे। हालांकि फिर 2009 में वो जीते और फिर मंत्री बने। इसके बाद भी वो चुनाव लड़ते रहे लेकिन उन्हें सफलता जो है वो डाल्टनगंज में मिली नहीं। अब चतरा में आ गए हैं। देखिए, अगर हम चतरा की बात करें तो देखिए, चतरा भी एक ऐसी स्ट्रांग होल्ड सीट है, और अगर आप 2019 में जाकर देखें तो यहाँ भी जो मत प्रतिशत है बीजेपी का वो 50% से ज़्यादा है। इनफैक्ट 57% जो है वो मत जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट सुनील सिंह लेकर आए थे, और वो भी तब जब उनको लेकर जो है एक नाराजगी पिछली बार वहां पर जो समर्थक वर्ग हैं उनके अंदर था। जबकि अगर आप वहां पर देखें तो एक ट्रायंगुलर फाइट पिछली बार हुई थी, और इससे लगता है कि शायद इस वजह से तो ऐसा नहीं हुआ, तब कांग्रेस और आरजेडी दोनों की तरफ से जो है वो कैंडिडेट उतरे थे, लेकिन जो दूसरे स्थान पर कांग्रेस रही थी उसे 16.2% वोट मिले थे और आरजेडी को जो है वो 9% जो है वोट मिले थे। तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें तो ये ऑलमोस्ट 25-26% के आसपास पहुंचता है। तो एक तरफ 57% है और एक तरफ जो है 25-26% है। अगर दोनों मिलकर लड़े तब की मैं बात कर रहा हूं, तो ऐसी परिस्थिति में जो ये फासला है दोनों के बीच का जो मार्जिन है, ये भरना के एन त्रिपाठी के लिए बड़ी चुनौती होगी। अब अगर हम जातीय समीकरण की हम वहां पर चतरा में बात कर लें तो वहां पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनकी संख्या जो है 13-14% के आसपास है, जबकि जो शेड्यूल कास्ट हैं वो अच्छी संख्या में है, लगभग 28-29% जो है वो शेड्यूल कास्ट के हैं। जो शेड्यूल ट्राइब हैं वो 19-20% के आसपास, और यहाँ पर जो सिंह वोटर्स हैं, जो राजपूत वोटर्स की बात करते हैं हम, उनकी संख्या बहुत अच्छी है और वो 11-12% के आसपास हैं, और यादव वोटर भी यहाँ पर हैं 9% के आसपास। और यही वजह है कि आप एम वाई समीकरण जब देखती हैं तो आरजेडी यहां से सीट चाहता था। अब के एन त्रिपाठी का नाम घोषित हो गया है और जो इंडिया गठबंधन है वो ये अपेक्षा कर रहा होगा कि आरजेडी वहां कांग्रेस के साथ चुनाव प्रचार में कदम से कदम मिलाकर चलेगी, क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई और कैंडिडेट आ जाता है तो फिर बीजेपी का काम जो है वो आसान हो जाएगा। यहां पर बीजेपी ने कालीचरण सिंह को जो है अपना उम्मीदवार बनाया है जो कि भूमिहार जाति से हैं, और ये कहा जाता है कि वो स्थानीय हैं। तो जो चतरा के साथ एक सवाल बार बार उठता था और केबीसी में भी एक बार ये सवाल पूछा गया था कि कौन सा ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां स्थानीय सांसद नहीं बनते, तो वो सही जवाब चतरा था। तो उस सवाल का जवाब जो है बीजेपी ने एक देने की कोशिश की है कि उसने एक स्थानीय प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाया है। अब इसके बाद जो है के एन त्रिपाठी, हालांकि बगल के ही जो जिला है पलामू, वहां से आते हैं, और पलामू जिले का जो पाकी है वो चतरा लोकसभा क्षेत्र का ही हिस्सा है। तो अब जब ये मुकाबला होगा तो ये देखना होगा कि जो वोटों की शिफ्टिंग होती है वो किस तरह से होती है, और मुकाबला आपको दिलचस्प होगा। हालांकि यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी भी अपना कैंडिडेट देगी, उसे भी कुछ वोट आते हैं, 20-25 हज़ार के आसपास जो है वो वोट लेकर आती है चतरा लोकसभा से, तो उनके कैंडिडेट कैसा प्रदर्शन करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप आंकड़ों को देखती हैं और पिछले चुनाव से बात करती हैं, अब देखिए जब हम
मानक सेट करते हैं तो जो 2019 का लोकसभा चुनाव तो है ही, उसके 6 महीने बाद जो है विधानसभा का भी चुनाव हुआ था और जिसमें जेएमएम कांग्रेस आरजेडी गठबंधन ने बेहतर प्रदर्शन किया था और जिसकी बदौलत जो है उन्होंने सरकार बनाई थी। तो अगर हम चतरा में विधानसभा के हिसाब से देखें तो जो आपको वहां पर विधानसभा है 5, उसमें 2 पर बीजेपी है और आरजेडी जेएमएम और कांग्रेस के 1-1 जो है वो विधायक हैं। अगर मत प्रतिशत पर आप जाएं विधानसभा में तो बीजेपी को जो है वो 3,50,216 वोट मिले थे अकेले और आरजेडी जेएमएम और कांग्रेस को मिलाकर 3,35,000। तो ये गैप यहां पर आपको कम दिखता है, 15,000 का दिखता है, तो इसे पाटा जा सकता है। लेकिन जब इसमें आजसू और जेडीयू के वोट हम जोड़ देते हैं तो वो 4,07,000 के आसपास पहुंच जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप विधानसभा के हिसाब से देखें तो जो बीजेपी मतलब एनडीए अलायंस है उसे 43.8% और जो इंडिया अलायंस है उसे 36%। तो वो जो गैप पहले 20-25% का 25 के आसपास दिखता था, 25-30% के आसपास लोकसभा चुनाव में, वो यहां पर आपको कम दिखता है और वो लगभग 8% के आसपास है। और जो इंडिया गठबंधन है वो विधानसभा के लिहाज से ही एक अनुमान लगाएगा कि अगर हम जो है उसे 50% के अंदर रोक लेते हैं बीजेपी को तो फिर उनके लिए संभावना बन सकती है। चलिए, कई चीजों का आकलन किया जाता है उसके बाद टिकट का बंटवारा होता है। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएम के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए एलीट इंस्टीट्यूट।